हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं अनुपम देव ऑफिशियल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास है एक और लॉन्चिंग प्रोडक्ट जिसका नाम है नॉइस ट्यून एक्टिव प्रो नेकबैंड। दोस्तों करेंगे इसको अनबॉक्स और आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूं कि इसकी जो साउंड क्वालिटी किस तरीके की है, बेस क्वालिटी किस तरीके की, कॉलिंग क्वालिटी किस तरीके की है, और दोस्तों गेमिंग के पर्पज से आप इसे परचेज कर रहे हो तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वीडियो के लास्ट में आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि आपको इसे परचेज करना है या नहीं करना है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बन रही है। अब बॉक्स को ओपन कर लेते हैं दोस्तों, बाहर निकाल दें अपने नेक बैंड को। पहले दोस्तों बॉक्स को देखेंगे, बॉक्स के ऊपर में नॉइस की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ट्विन एक्टिव प्रो लिखा हुआ है नीचे। बॉक्स के बैक साइड में दोस्तों देखेंगे तो बैक साइड में अप टू 60% आवर प्ले टाइम इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। एनवायरमेंटल नॉइस रिडक्शन, IPX5 की वाटर असिस्टेंस, इंस्टा चार्ज, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट इसमें आपको मिल जाएगा, वॉइस असिस्टेंट भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बॉक्स को ओपन जल्दी से करते हैं। तो ओपन कर लिया है, इसके साथ मुझे कुछ एसेसरीज मिल जाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों एक मिल जाता है चार्जिंग केबल, केबल की क्वालिटी की बात करो तो दोस्तों काफी सही है, और यहां पे दोस्तों आपको मिल जाएगा टाइप सी चार्जिंग, 4 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं, और दोस्तों 2 सपोर्टर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहां पे रखा हुआ है हमारा एक रजिस्टर या और वारंटी कार्ड, वन ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी भी इसके साथ आपको मिल जाएगी, कुछ दोस्तों मिल जाते हैं स्टिकर नॉइस की तरफ से, और दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मैंने अपने मैन यूनिट को बाहर निकाल लिया, देख पा रहे होंगे काफी अच्छा नेक बैंड ये लग रहा है मुझे। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ बटन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वॉल्यूम को माइनस प्लस कर सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपको एक मेन स्विच देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा बड़ा दे रखा है और इसमें प्लास्टिक यूज किया गया है वो काफी अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है, और दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ से आप अपने चार्जर को कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं अपने बर्ड्स के बारे में, तो बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी लग रही है, और दोस्तों काफी लाइट वेट ये बर्ड्स मुझे लग रहे हैं। दोनों में आपको नॉइस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और दोस्तों सामने की तरफ आएंगे तो कुछ इस तरीके के बर्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इस साइड दोस्तों देख लेते हैं, इस साइड भी नॉइस की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, और दोस्तों यहाँ पे प्लास्टिक यूज किया है वो काफी अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है, और दोस्तों बैटरी बैकअप इसमें काफी अच्छा मिल रहा है, तो यहाँ पे काफी अच्छी बैटरी, बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाए। बायर की दोस्तों बात करूं तो दोस्तों बायर की क्वालिटी है वो काफी सही लग रही है, मैं आपको पास करके दिखा देता हूँ, काफी अच्छी बायर की क्वालिटी है, और दोस्तों थोड़ा मोटा बायर इन्होंने दे रखा है, और दोस्तों यहाँ पे भी काफी सॉफ्ट है, अगर आप अपने गर्दन में डालोगे तो लॉन्ग टाइम तक भी आप डाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, काफी ये सॉफ्ट है, और दोस्तों टूटने वाला जल्दी से नहीं है, अगर बिल्कुल आप इसे बैंड कर देते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी में ये मुझे काफी अच्छा नेक बैंड लगा है। अब दोस्तों इससे थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं और आपको बताते हैं इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो किस तरीके की है। फिटिंग की दोस्तों बात करूं तो दोस्तों देख पा रहे हो काफी अच्छी तरीके से मेरे ईयर में ये फिट हो चुका है। अगर आप दोस्तों आप इसे पहनकर रनिंग कर रहे हो, वर्कआउट वगैरह भी कर रहे हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और दोस्तों नेक में भी मुझे कोई भी इरिटेशन नहीं लग रहा है, तो आप इसे लॉन्ग टाइम तक भी यूज कर सकते हो। साउंड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों इससे मैंने काफी देर तक म्यूजिक सुना और वीडियो वगैरह भी देखे, साउंड क्वालिटी दोस्तों 999 रुपए के हिसाब से मुझे काफी बढ़िया लगे, बेस आपको काफी अच्छा मिल रहा है, और दोस्तों इसकी जो वॉइस है वो काफी ज्यादा लाउड है, वोकल्स दोस्तों काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप 100% वॉल्यूम पे आप इसे सुन रहे हो तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और दोस्तों कोई भी इरिटेशन नहीं होने वाला है, काफी क्लियर वॉइस इसकी मुझे लगी है। तो दोस्तों साउंड क्वालिटी में कोई भी इश्यू फेस करने को नहीं आएगा आपको। अगर आप म्यूजिक सुनने के पर्पज से इसे परचेज कर रहे हो तो दोस्तों आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। अब दोस्तों इसका जो माइक्रोफोन है वो भी टेस्ट कर लेते हैं कि जो इसके माइक्रोफोन है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और दोस्तों इसमें आपको एक नॉइस कैंसिलेशन मोड भी देखने को मिल रहा है, उसे भी चेक करके बताते हैं कि नॉइस कैंसिलेशन मोड किस तरीके से काम कर रहा है। अगर आप कहीं भीड़ वगैरह में जा रहे हो, मार्केट वगैरह में जा रहे हो, तो आप इसे कॉलिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो।
दोस्तों नॉइस कैंसिलेशन मोड की बात करूं तो दोस्तों वो काफी अच्छे से काम कर रहा है। जब मैंने दोस्तों अपने रूम के कूलर वगैरह फैन वगैरह चलाया तो दोस्तों नॉइस कैंसिलेशन इसमें काफी अच्छे से हो पा रहा था। माइनर सी वॉइस अंदर आ रही थी ईयर में और कॉलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। और दोस्तों जब मैंने अपने रूम का फैन वगैरह ऑफ कर दिया, कूलर वगैरह ऑफ कर दिया, तो भी आप काफी अच्छे से बात कर सकते हो इससे। तो दोस्तों कॉलिंग के पर्पज से ये नेकबैंड मुझे काफी अच्छा लगा। दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी का मैं आपको एक लाइव टेस्ट करके दिखा देता हूं कि आपको एक आइडिया लग सके कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है किस तरीके की है और आपको खुद सेटिस्फेक्शन मिल सके कि आपको ये परचेज करना है या नहीं करना है। इसके माइक्रोफोन को भी दोस्तों टेस्ट कर लेते हैं कि माइक्रोफोन किस तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों कॉल लगाएंगे अपने फ्रेंड से और आपको लाइव टेस्ट करके बताऊंगा कि किस तरीके की इसमें वॉइस आ रही है कॉल के दौरान और दोस्तों नॉइस कैंसिलेशन मोड वो किस तरीके से काम कर रहा है। हेलो, हाँ भाई, ये मैंने नॉइस ट्यून एक्टिव प्रो खरीदा है, ये नेक बैंड, इसमें जो आवाज है ना माइक्रोफोन की वो किस तरीके की आ रही है? अच्छा, सही से आ रही है ना? कॉलिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली? नहीं। अच्छा भाई, मैंने अपने रूम का फैन वगैरह ऑन कर रखा है तो नॉइस कैंसिलेशन मोड किस तरीके से काम कर रहा है? जो बाहर की आवाज है वो किस तरीके से आ रही है? नॉइस कैंसिलेशन मोड ढंग से काम कर रहा है? अच्छा भाई, ओके। दोस्तों इसे एक छोटा सा गेमिंग टेस्ट भी करके देख लेते हैं। BGMI प्ले करते हैं और आपको दिखाते हैं कि गेमिंग के पर्पस से किस तरीके का नेकबैंड होने वाला है। दोस्तों इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें तो IPX5 की वाटरप्रूफिंग इसमें देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों स्वेटिंग वगैरह आपको हो रही है और दोस्तों थोड़ी बहुत बूंदाबांदी है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों बैटरी बैकअप की बात करें तो लगभग आपको 60 आवर तक इसमें बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। और दोस्तों आप इसे 10 मिनट चार्ज करोगे तो लगभग 30 आवर तक प्ले टाइम इसके साथ आपको मिल जाएगा, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा है। 999 रुपए के हिसाब से इस नेकबैंड को मैं देना चाहूंगा लगभग 4.5 स्टार। मुझे काफी अच्छा लगा ये नेकबैंड। दोस्तों मैं अपना ओपिनियन दूं तो 999 रुपए के हिसाब से अगर आपको कोई नेकबैंड कंसीडर करना है तो आप इसे कर सकते हो, काफी अच्छा ये नेकबैंड है। दोस्तों वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।